हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने रजनी शर्मा, पीजीटी मैथमेटिक्स एंड जीजी ट्रिपल एस वाणी खेड़ा। पिछली वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के विषय में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानेंगे। वो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, उसको लिमिट से हम कैसे चेक करेंगे, वो हम देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम डेफिनेशन लेंगे। डेफिनेशन में देखो क्या होगा। डेफिनेशन, द फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डेरिवेबल एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ सच दैट एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। लिमिट एक्स टेंस टू ए। डेफिनेशन, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डेरिवेबल। डेरिवेबल कब कहा जाएगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर सी। सी की जगह कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1, 2, 3। यहाँ मैंने ए ले लिया है, ए भी ले सकते हैं। इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपोन में एक्स माइनस ए। देखो बच्चों, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है फंक्शन से। कोई भी गिवन फंक्शन आपके पास आ जाएगा और आपको ये बोल दिया जाए कि ये फंक्शन डेरिवेबल है या कॉन्टिन्यूस है, तो आप उसको लिमिट से चेक करेंगे। डेरिवेबल पे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का उपयोग करते थे। अब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला के अंदर भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है। उसको हम डेरिवेबल चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम जो लिमिट है वो नेगेटिव, जैसे कि हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लेते थे, वैसे ही यहाँ लेना है आपको। यहाँ हो जाएगा ए प्लस, राइट हैंड डेरिवेटिव में ए प्लस लेना है। वहाँ कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट। कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हम जो है यहाँ लिमिट लेते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब ये इक्वल आ जाता था तो वो कॉन्टिन्यूस होता था। अब यहाँ पर क्या है कि डेरिवेटिव करने के लिए हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसके अंदर ही हमें क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज़ करना पड़ेगा। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा। डेरिवेबल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट अप्लाई करने के बाद फंक्शन का आंसर इक्वल आ जाता है, तो वो आंसर क्या हो जाता है, डेरिवेबल हो जाता है। हम इस को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन लेंगे, शो कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। एफ एक्स नॉट डेरिवेबल, एफ एक्स
is not derivable at point x is equal to 2. It means यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो 2 है. अब देखो एफ एक्स, अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसका हम हल कर रहे हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बी मॉडुलस फंक्शन. अब ये फंक्शन वैसे तो क्वेश्चन में बोला है कि इज कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस वैसे हम प्रूव भी करने के लिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले से ही बोल दिया है कि ये कॉन्टिन्यूस है और इसको डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है. ये शो करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डेरिवेबल नहीं है इस पॉइंट के ऊपर. अब कॉन्टिन्यूस चेक करना तो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको. इसमें देखो बच्चों, मान लो हम कॉन्टिन्यूस भी एक बार चेक कर लेते हैं. टेकिंग, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 माइनस एच, एच की लिमिट 0, इसमें फंक्शन में अप्लाई करें 2 माइनस एच माइनस 2, कैंसिल 2 से 2, एच की लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हम यूज़ करेंगे तो लिमिट में हम x टेंस टू 2 प्लस एच, 2 प्लस एच करेंगे, एच की लिमिट हेयर, एच की लिमिट 0 हो जाएगी. यहाँ पर x की जगह पे 2 प्लस एच माइनस 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, एच की लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस हो गया. अब हम डेरिवेबल प्रूव करेंगे इसी फंक्शन को. अब डेरिवेबल करने के लिए अभी हमने फार्मूला लिखा था डेफिनेशन में कि एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए. लिमिट एक्स टेंस टू ए, बट हेयर लिमिट इज टू, फंक्शन इज दिस एक्स माइनस टू का मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू. अब हम यहाँ रखेंगे एफ डैश ए यानी 2 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव करेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूजिंग, अब उसमें क्या होगा, एफ एक्स. एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस टू का मोड एफ ए. एफ ए मीनिंग यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 का मॉड वी हैव 0, 2 माइनस 2 0, 0 का मॉड 0 हो गया और यहाँ पर वो वैल्यू क्या होगी, 0. यहाँ x माइनस 2 अपॉन में x माइनस a, a a की वैल्यू क्या है, 2 है, वो हमने यहाँ रख दी. x माइनस 2 का मोड लिया हमने, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आप जो लिमिट लेंगे वो माइनस में लेंगे. इफ़ x लेस देन 0 माइनस में लेंगे, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, मोड फंक्शन को माइनस में लिखा इधर, ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 कैंसिल, माइनस 1 आ गया. अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, टेकिंग राइट हैंड डेरिवेटिव. राइट हैंड डेरिवेटिव में
लिमिट जो होगी वो होगी हमारे प्लस प्लस की, हमारे पास प्लस की हो जाएगी। प्लस की अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखें ध्यान से, x माइनस टू, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो दो के बराबर या दो से बड़ा होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ मॉडुलस फंक्शन की पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लिमिट पॉजिटिव रख रहे हैं, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा पॉजिटिव में। और f ऑफ a की वैल्यू क्या है, जीरो है, अपॉन में x माइनस a। अब ध्यान से देखो, यहाँ आ गया x माइनस टू अपॉन में x माइनस टू, ये कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया वन। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने रखा तो आंसर आया माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव हमने रखा तो आंसर आया वन। यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन जो है इज नॉट डेरिवेबल, फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा, डेरिवेबल इज नॉट डेरिवेबल। हम 5.2 का एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ, उसमें देखो कि यदि हमारे पास, ये तो मॉडुलस फंक्शन था, यदि हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको प्रूव करके दिखाएं कि वो कॉन्टिन्यूस है या डेरिवेबल है या नहीं है। तो उस ऐसा हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, लेट हमने कोई फंक्शन ले लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन ले लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको हमने बताना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डेरिवेबल है या नहीं है। इसको किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं हम, हमने ले लिया एट x टेंस टू टू, टू लिमिट हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखो बच्चों, अब हम सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू टू माइनस h, h की लिमिट जीरो, फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसमें हमने अप्लाई कर दी है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ x की जगह पे हम 2 माइनस h लिख देंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यदि हम उसमें से कुछ भी थोड़ा सा कम कर देते हैं या उसमें से कुछ भी घटा देते हैं तो वो एक कम हो जाता है, पॉइंट हम 2.5 में से 1.2 में से 1.5 लेस करें या कुछ प्रॉपर ही लेस कर दें तो वो वन हो जाएगा, बिल्कुल एक कम हो जाएगा, तो इसका आंसर वन आ जाएगा। और हम टेकिंग राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, टू प्लस एच, एच की लिमिट जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, x की जगह पे हमने 2 प्लस h रख दिया है। अब 2 में हमने कुछ भी ऐड किया है तो वो यूं का यूं रह जाएगा, ये बात आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ध्यान रखेंगे। 2 में हम 2.5 या 1.5 कुछ भी ऐड करेंगे बच्चों तो वो हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो अब यहाँ देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करी तो आंसर क्या आया, 1, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करी तो आंसर क्या आया बच्चों, 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं डेरिवेबल में कि ये डेरिवेबल होगा या नहीं होगा।
अब डेरिवेबल के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, पहले क्वेश्चन देखो। एफ हमने फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ लिखा एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपोन में एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें हम टेकिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज़ किया तो उसके अंदर अब लिमिट क्या अप्लाई करनी है, टू अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा अपने पास टू, लिमिट हमें नेगेटिव लेनी है, यानी टू माइनस एच, एच की लिमिट जीरो और यहाँ पर टू, एक्स माइनस टू। अब इधर देखो, यहाँ पर टू में से कुछ कम किया तो ये वन और ये टू रह जाएगा एज इट इज़ है, और इधर नीचे हमारा एक्स माइनस टू। अब यहाँ माइनस वन अपोन में एक्स माइनस टू आ गया, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। अब यहाँ भी नीचे भी हम टू माइनस एच अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ हम अप्लाई करेंगे माइनस वन अपोन में टू माइनस एच माइनस टू, टू से टू कैंसिल, वन से वन। तो अब यहाँ देखो आपका आंसर आ गया हमारे पास वन अपोन में एच, यानी एच की लिमिट हमने यहाँ क्या रखी, जीरो रखेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। वन अपोन में जीरो को हम नॉट डिफाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से हमारा ये आंसर आ गया। अब इसी फंक्शन में हम राइट हैंड डेरिवेटिव रखेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब हमने रखा तो आंसर हमारे पास नॉट डिफाइंड आ गया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव टेकिंग राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसमें एफ डैश टू लिमिट टू लेनी है, लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव का मीनिंग टू प्लस एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम अप्लाई करेंगे टू प्लस एच, यहाँ पर भी टू आ जाएगा क्योंकि एफ ऑफ ए यानी टू रख देंगे। यहाँ नीचे एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए है तो टू प्लस एच माइनस टू। अब टू प्लस एच टू ही रह जाएगा और ये भी टू, अपॉन में ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जीरो अपॉन एच, यानी हम इसको जीरो ही अप्लाई जीरो ही लिख देंगे। तो ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन भी हमारा क्या होगा, डेरिवेबल नहीं होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि आप राइट हैंड डेरिवेटिव प्रूव करो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज़ करके फंक्शन को डेरिवेबल प्रूव करो कि वो डेरिवेबल गिवन लिमिट पे है या नहीं है। इसको अच्छे से समझाने के लिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम इस क्वेश्चन से देखते हैं कि ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए लिमिट एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ये बी एक्स प्लस टू इफ लिमिट एक्स ग्रेटर देन वन। ये जो गिवन फंक्शन है वो डेरिवेबल है फॉर एवरी एक्स के लिए, और हमें क्या वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इस फंक्शन को ये ऑलरेडी डेरिवेबल कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सी एंड डी कुछ भी दे सकता है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। देखो अब हम यहाँ लिख रहे हैं, फंक्शन हमारे पास दे रखा है
fx is equal to x square plus 3x plus a. लिमिट जो है लेस देन इक्वल टू वन है. मैंने कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में करवाया था कि जब लेस देन इक्वल टू वन है तो वहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज़ करेंगे. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू वन है, वन माइनस एच कर देंगे, एच की लिमिट जीरो. यहाँ अप्लाई करो वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स की जगह के पे हम क्या लिख देंगे वन माइनस एच प्लस ए. एच की लिमिट क्या है जीरो करा, वन का स्क्वायर वन, जीरो रखा वन आ गया, वन को थ्री से हम क्या करेंगे, थ्री से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो थ्री आ जाएगा प्लस ए, एट मीन्स फोर प्लस ए. जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करी तो ये क्या आ गया, फोर प्लस ए आ गया. अब हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंस टू वन प्लस एच, एच की लिमिट जीरो. वो राइट हैंड लिमिट इसमें यूज़ करेंगे, इस फंक्शन में. ग्रेटर देन वन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमें राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डेरिवेटिव यूज़ करना है. तो इस फंक्शन को लेंगे बी एक्स प्लस टू, बी एक्स, एक्स की जगह पे वन प्लस एच प्लस टू करेंगे, एच की लिमिट जीरो अप्लाई करें तो क्या आ गया, बी प्लस टू आ गया. अब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है. ये कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ डेरिवेबल भी है, दोनों हैं. तो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट यानी फोर प्लस ए, यहाँ बी प्लस टू इक्वल रख दिया. अब ए माइनस बी, फोर उधर जाएगा, टू माइनस फोर, ए माइनस बी इज इक्वल टू टू, में से फोर जाएंगे माइनस टू, इक्वेशन वन. अब हम नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव क्योंकि डेरिवेबल फंक्शन तो है ये. अब हम इसी चीज़ को डेरिवेबल में रखेंगे. तो टेकिंग यहाँ लिखेंगे केस टू के अंदर, टेकिंग लेफ्ट, अब लेस देन है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अब इस फंक्शन के अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए. अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, लिमिट है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लेनी है, डेरिवेटिव में नेगेटिव आएगी. अब फंक्शन में रखेंगे हम एफ एक्स, हमारे पास ये है, इसके अंदर हम रखेंगे वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए. फार्मूला हमारे पास आपको पता ही है, एफ डैश ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ लिख लेते हैं अपॉन में एक्स माइनस ए, इसको हम यूज करेंगे. अब एफ एक्स तो हमारे पास ये है ही, माइनस एफ ऑफ ए यहाँ पर वन रखो, वन का स्क्वायर वन, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन है. तो वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस ए, यहाँ पर फोर प्लस ए आ जाएगा, बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, अपॉन में एक्स माइनस ए. इट मीन्स ये, अभी इसका यूज़ बाद में करेंगे, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं. एफ डैश वन लिमिट नेगेटिव, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए. अब ए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस फोर आ गया, एक्स माइनस वन. आप इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस वन. अब यहाँ देखो, इसमें से कॉमन ले लिया हमने, इन दोनों में से एक्स अंदर रह गया, एक्स प्लस फोर, इधर हमने वन कॉमन ले लिया, इधर भी एक्स प्लस फोर अपॉन में क्या है, एक्स माइनस वन है. अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स प्लस फोर
x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन, लिमिट जो है वो है नेगेटिव, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज़ किया था, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया x प्लस फोर। अब इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई करते हैं वन माइनस एच, एच की लिमिट ज़ीरो x की जगह पे, तो वन माइनस एच प्लस फोर, एच की लिमिट ज़ीरो है, वन प्लस फोर क्या आ गया फाइव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया फाइव आ गया। इस प्रकार अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन में रखेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। अब एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस टू, लिमिट हमारे पास वन प्लस, राइट हैंड डेरिवेटिव है प्लस होती है, फार्मूला एफ एक्स बी एक्स प्लस टू एफ ऑफ ए। अब इसमें आप ए की वैल्यू रखें, ए की वैल्यू क्या है वन है, एक्स की जगह वन रखेंगे तो क्या रह जाएगा बी प्लस टू, यानी यहाँ पर बी प्लस टू आएगा, बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस टू हो जाएगा। इसके बाद अपॉन में एक्स माइनस वन, ए की वैल्यू वन है, यहाँ आप देखें प्लस का टू और माइनस का टू कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से बी कॉमन लें, एक्स माइनस वन, नीचे भी एक्स माइनस वन कैंसिल, यदि यहाँ साथ में एक्स बचता तो हम वन प्लस एच, एच की लिमिट जीरो अप्लाई करके कर देते, आंसर आ जाता जैसे हमने पहले में किया था। अब यहाँ पर वन प्लस का मीनिंग है राइट हैंड, हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं डेरिवेटिव पार्ट में, आंसर बी आ गया। अब हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव से आंसर बी आ गया। अब फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। जब फंक्शन डेरिवेबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों इक्वल रखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, फाइव इज इक्वल टू बी। और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू। अब यहाँ पर b की वैल्यू अप्लाई करें इक्वेशन में, तो यहाँ a माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू, ए इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फाइव, माइनस टू प्लस फाइव ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री आ जाएगी, तो a की वैल्यू थ्री आ जाएगी हमारे पास और b की वैल्यू फाइव, ये हमारा आंसर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में आ जाते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो सबसे पहले आप उसको कॉन्टिन्यूटी वाले उसमें रखेंगे फार्मूले में, फिर डेरिवेबल वाले फार्मूले में रखेंगे। कॉन्टिन्यूटी से एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी और दूसरी इक्वेशन डेरिवेबल से तैयार हो जाएगी, दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से आपने करना है।